हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आप कभी कारपेंटर का काम करवाते हैं अपने घर पे, चाहे किचन हो या फिर कबर्ड हो या फिर बेड कुछ भी, एनीथिंग, पैनलिंग या फिर इंटीरियर में कुछ भी कराते हैं कारपेंटर से, तो मोस्टली काफ़ी लोगों से कारपेंटर एक चीज़ मंगवाता होगा जिसे आप फेविकोल लाते हैं, या फिर फेविकोल में कई सारी वैरायटियाँ होती हैं, फेविकोल जैसे लाते हैं उसी तरह एक होता है हीटेक्स नाम से, कुछ लोग एसआर बोलते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें जो है, आपको मैं एक चीज़ से शेयर करता हूँ कि जब ये हीटेक्स जो मंगाते हैं, जो येलो कलर का होता है हल्का सा ग्लू, तो ये भी माइका चिपकाने के काम आता है। लेकिन ये किस कंडीशन में आता है माइका चिपकाने के काम में, जब देखिए, मान लो आप सिंपल सी ये चीज़ है, इतनी बड़ी MDF है कोई पतली सी, अब मान लिया इंटीरियर के आपसे इसको फिनिश करना है, अब यहाँ पेंट नहीं होगा, इस पर इसी कलर की माइका लगनी है, तो इतनी पतली पट्टी काट के माइका इस पर पेस्ट करना मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन क्या होता है कि हीटेक्स लोग लगा के उस माइका को पेस्ट कर देते हैं तुरंत, क्योंकि अगर आप माइका लगाते हैं फेविकोल से, तो फेविकोल लगा के फिर उस पर एब्रो टेप लगाते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है उसको, और थोड़ा सा फिनिश खैर अच्छी आती है, लेकिन टाइमिंग काफ़ी लगा था, जो काम 10 मिनट का होता है वो काम आधा घंटा लग जाता है, तो इसलिए वो हीटेक्स यूज करते हैं। लेकिन ये आप आजकल के जो मोस्टली कारपेंटर हैं वो हीटेक्स खासकर इसलिए मंगाते हैं क्योंकि वो अपना काम बहुत ही तेज़ी से करना चाहते हैं, आपसे रेट तो नहीं लेंगे जितने चल रहे होंगे मार्केट में, लेकिन वो हीटेक्स ले लेके आपसे बहुत तेज़ी से काम कर लेंगे अपना काम। जो काम वो फेविकोल में 10 दिन का होता था, वो काम जो हीटेक्स में 5 दिन में ख़त्म हुआ था काम वो। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी आप कारपेंटर काम करवाते हैं घर पे, तो हीटेक्स बहुत ही रेयर केस में ला के दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना यूज करें हीटेक्स, अगर इस तरह की कंडीशन कहीं आती है तो आप यूज करें। और वो भी एक कंडीशन और भी है इसके साथ, अगर आपका हीटेक्स कहाँ पे यूज करना है ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर कहीं गर्म चीज़ है, मतलब आपको कोई ऐसा कमरा रूम है जहाँ पे धूप ज़्यादा आती है, गर्मी पूरा कमरा गर्म रहता है, तो उस कमरे में जो भी इंटीरियर होगा, जो भी पार्ट होगा वुडन का या फिर माइका का, तो वहाँ पे हीटेक्स नहीं यूज करेंगे। ये खाली ऐसे रूम में यूज करें या फिर ऐसे कमरे में यूज करें, ऐसे जगह पे यूज करें जो ठंडे रहते हों, जहाँ आप एसी से यूज करते हो, चाहे आप कूलर यूज करते हो, तो वो चीज़ एरिया ठंडा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गर्म होना चाहिए। वो ज़्यादा अगर 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है किसी तरह, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो हीटेक्स जो धीरे धीरे वो छोड़ना निकल जाता है, वो मतलब हल्का सी उसकी जो पकड़ होती है ग्लू की वो छूटने लगती है। तो हीटेक्स में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी ये होती है कि वो अगर हल्का सा गर्म हुआ तो निकल जाएगा तुरंत वो, हल्का सा, ठीक है। फेविकोल में क्या है, फेविकोल कितना भी गर्म हो जाए जल्दी निकलता नहीं है, छूटता नहीं है, फेविकोल लगाने में टाइम लगता है। और हीटेक्स क्या है, वो तुरंत लगाए और तुरंत पेस्ट कर दिया उसको, जो काम फेविकोल में 10-15 मिनट का था वो काम उन्होंने 1-2 मिनट में ख़त्म कर दिया। और जानबूझ के आज लोग कारपेंटर लोग उसी को यूज करते हैं कि अपना काम फटाफट निपटा के खिसक जाए आपके यहाँ से, साइड से, रुपये उनको तो नहीं लेने हैं, और आपको तो तुरंत दिखेगा नहीं, तुरंत आपको लगे हाँ सब कुछ फिनिश हो गया। लेकिन जब गर्मी आती है, मई जून का महीना आता है जब गर्मी आपकी काफ़ी उसमें होती है, मान लिया आपके घर में एसी नहीं है और कमरा ऐसा है आपका कि ज़्यादा हीट होता है, हीट रहती है आपके कमरे में, तो धीरे धीरे सब अपनी औकात दिखाना शुरू कर देती हैं, सब जो उसने जहाँ जहाँ हीटेक्स लगाया होगा उसने बंदे ने, तो ऐसा ना करवाएं, अधिकतर फेविकोल का यूज करवाएं। हीटेक्स रेयर केस में यूज करवाएं, जहाँ पे आपको ध्यान रखना, जहाँ पे आपका कूल प्लेस हो, जहाँ पे आपका ठंडा एरिया हो, ठंडा रूम हो, तो वहाँ पे आप हीटेक्स यूज करवाएं, वो भी जहाँ पे दिक्कत होती हो, जैसे एज पे लगाना है कहीं पे, इस तरह की पतली एज पे लगाना है, खाली इस पे यूज करें, क्योंकि इसमें लगाने में देखो फेविकोल लगाता है फिर टेप लगाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम तो खैर होती ही उनको भी, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह कि इतनी चौड़ी पट्टी को हीटेक्स में लगाना, इतनी चौड़ी कोई पट्टी होगी तो उसको फेविकोल से लगाइए, आप लगवाइए मुश्किल से 1 इंच तक की, आधे इंच तक की या फिर 10 mm 15 mm तक की जो भी एरिया होंगे उसमें आप हीटेक्स यूज करो, वो भी कूल प्लेस में, हॉट वाले एरिया में नहीं, ठीक है। तो मैं ये सोचा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीज़ों में, तो सोच रहा था आपको बता दूं कि आप भी ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आप कभी कोई चीज़ बनाते हैं अपने घर पे तो ये प्रॉब्लम आती है। आजकल के ज़्यादा कारपेंटर ज़्यादा दिमागी हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना है इन सब चीज़ों में। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।